आज जिला अधिकारी भदोही आर्यका अखौरी ने बताया कि जनपद वासियों को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित बनने एवं कोविड पेशेंटों को मानक एवं गुणात्मक इलाज संभव कराने के लिए उद्देश्य से निरंतर युद्ध स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा हर जरूरतमंद मरीज को बेड, ऑक्सीजन एवं जीवन रक्षक दवाई समय पर मिल सके। इसके साथ ही बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी के प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से बेहतर संवाद के लिए टेली कम्युनिकेशन की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाएगा, जिससे उन्हें घर पर ही चिकित्सा परामर्श प्राप्त हो सके। वर्तमान में भदोही के टेलीमेडिसिन का उत्तरदायित्व डॉक्टर एसीपी सिंह के पास है और इनका मोबाइल नंबर 9415239210 है। जिला अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाया जा रही है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए ट्रेस के मूल मंत्र को अपनाते हुए सक्रिय कार्य करना होगा और इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में लाना होगा और उनके संक्रमण को रोकने में सभी का सक्रिय सहयोग और योगदान आवश्यक है। जिला अधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर की कालाबाजारी के इलाज के दौरान नियत शुल्क से अधिक भी वसूली की तो ऐसे लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।